अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है डे टू, ईद का दूसरा दिन, और कल मैंने एक वीडियो शेयर कर दी, इसमें मैंने कुर्बानी के गोश्त के बारे में आप लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और बोला कि आप जो है ना वो हमें देने का तरीका बताएं, यानी कि हम किस तरीके से अपनी कैट को फर्स्ट टाइम जो है वो कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। तो मैंने भी अपनी कैट को अभी तक कुर्बानी का गोश्त नहीं दिया और आज मैं भी फर्स्ट टाइम देने जा रही हूँ। तो मैं आप लोग को प्रॉपर तरीका बताने लगी हूँ कि आपने किस तरीके से देना है। अगर आपने पूरा तरीका फॉलो नहीं करा और आपने वीडियो को स्किप कर करके देखा तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि फिर आपकी कैट को डायरिया, मोशन और वॉमिटिंग वगैरह की शिकार होगी। और आप लोगों को पता है कि आजकल क्लिनिक वगैरह भी बंद है ईद की वजह से, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना लोग इसका नुकसान उठा रहे हैं। अच्छा, जब मैंने कल इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर करी, पोस्ट शेयर करा, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बात बोली थी कि हमारी कैट जो है वो कुर्बानी का गोश्त नहीं खा रही है। तो मैंने आप लोग को उस वक्त भी बताया था कि इसको खिलाने का एक तरीका है। क्यों? क्योंकि चिकन तो हमारी कैट साला साल खाती रहती है, लेकिन बीफ नहीं खाती है, और वो थोड़ा सा हैवी भी होता है। तो कैट्स को अगर आप अचानक से देंगे ना, तो उनको लूज़ मोशन वगैरह, उनको डायरिया वगैरह की शिकायत हो सकती है। तो इसको सही तरीका क्या है इसको देने का, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। फिर इंशाल्लाह ताला और वीडियो शेयर करूंगी जिसका नाम प्रॉपर होममेड डाइट वगैरह, आपको और चीजें बना के दिखाऊंगी। आज की वीडियो में सिर्फ मैं इन दो चीजों से ही होममेड डाइट बनाने लगी हूं। कैसे? यहां पे मैंने तीन बोटियां ले ली हैं चिकन की, आप लोग देख सकते हैं, एक हड्डी वाली ली है और एक ये फुल, एक ये देखें, ये फुल बोटियां मैंने ली हैं इसके अंदर, क्योंकि मेरी कैट जो है वो ज़्यादातर चिकन ही खाती है। लेकिन अब मैं उसको बीफ का आदि बनाने लगी हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक बोटी ले ली है, अभी मैंने सिर्फ एक बोटी ली है बीफ की, आप लोग ये देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये हड्डी ले ली है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इस तरह की जो हड्डियाँ होती हैं ना वो फेंक देते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि आप लोगों को नहीं पता कि ये हड्डी कैट्स के लिए कितनी ज़्यादा हेल्दी होती है। अगर आपने अपने कैट की डाइट इस तरीके से बनाना स्टार्ट कर दी और उनको देना स्टार्ट कर दी, तो आपकी कैट को जो हेयर फॉल हो रहा है, जो वो वीक हो रही हैं, वो दोबारा से हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगी, उनके फर दोबारा से अच्छे हो जाएंगे, उनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और काफ़ी हेल्दी हो जाएंगी और काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि कैट की जो मेन डाइट होती है वो होता है मीट। अब मीट में चिकन भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है और फिश भी हो सकता है, बट लोग इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते। जो डाइट हम बनाते हैं, बताते हैं, जिस तरीके से, आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, जिस वजह से फिर आप नुकसान उठाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने चिकन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखी है। कभी भी कैट को किसी एक फूड से लेकर दूसरे फूड पे स्विच करवाते हैं तो जो पहला फूड होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, फिर एक हड्डी रखी है, क्योंकि इससे यखनी बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत ज़बरदस्त यखनी इससे बनती है, और वो कैट्स के लिए इतनी ज़्यादा हेल्दी होती है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और उसके साथ साथ मैंने एक बोटी ऐड करी है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हमने बढ़ाना स्टार्ट करना है, डायरेक्ट हमने नहीं देना है, ना ही रॉ फॉर्म में देना है, ना ही बॉयल करके देना है। काफ़ी सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं कि वो कुर्बानी का गोश्त आया और आते के साथ ही उन्होंने काट कर अपनी कैट को दे दिया। ठीक है, कैट अक्सर कैट्स खा लेती हैं, अक्सर कैट्स नहीं खाती हैं, फिर बाद में वो लोग नुकसान उठाते हैं। या फिर बॉईल करके डायरेक्ट देना है, आपने डायरेक्ट नहीं देना। आप इस बात को समझें, शुरू से आप अपने किटन को जो है वो ड्राई फ्रूट की आदत डलवाते हैं, फिर ड्राई फ्रूट से आप उसको होममेड फूड के ऊपर लेकर आते हैं ना, आप उसको चिकन की आदत डलवाते हैं। तो हर चीज़ की प्रॉपर एक आदत डाली जाती है। अगर आप डायरेक्ट उसके सामने कोई चीज़, नई चीज़ उसके सामने ला के रख देंगे, तो एक तो वो खाएगी नहीं, अगर वो खा भी लेती है तो उससे उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पर मैंने ये तीनों जो है ना मीट ले ली है, चिकन भी ले ली और यहाँ पे बीफ ले ली है, इनको वॉश कर लिया अच्छे से। अब मैं इसको बॉईल करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से अपनी कैट को इस चीज़ का आदि बनाना है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह की जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं इनको नहीं फेंका करें, ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं कैट्स के लिए। काफ़ी सारे लोग मेरी वीडियोस के नीचे आके कमेंट करते हैं कि आप सिर्फ बताती हैं, आप बनाकर भी दिखाया करें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को ये चीज़ बनाकर दिखा रही हूँ और आप लोग को सही तरीका बता रही हूँ कि आप लोग किस तरीके से अपनी कैट की कुर्बानी के गोश्त जो हैं उससे आप अपनी कैट को दोबारा से हेल्दी कर सकते हैं। तो इस तरह की हड्डियाँ हों या इस तरह की बोटियाँ हों, उन्हें स्टोर करके रख लें। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कितना सारा गोश्त जो है ना वो स्टोर करके रखा हुआ है अपनी कैट्स के लिए। मैं वॉश करती जाती हूँ और साथ ही साथ जो है ना इनको फिर होममेड डाइट वगैरह इनको बनाकर देती रहती
रहती हूँ, उसमें फिर मैं बीफ भी ऐड कर लेती हूँ, थोड़ा मटन ऐड कर लेती हूँ। अभी तो जस्ट मैंने बीफ ऐड करा है और फर्स्ट टाइम मैं उनको खिला रही हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ आप लोग को, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम अपनी कैट को कुर्बानी का गोश्त देने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ की कैट्स जो हैं वो पहले से रॉ मीट खाती हूँ, बट काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पहली दफ़ा देने जा रहे हैं, उनको इतना आइडिया नहीं है, तो आज की वीडियो उनके लिए ही है। तो चलें अब हम इनको डालते हैं और अच्छे से बॉईल करते हैं, फिर आप लोग को दिखाती हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से अपनी कैट को ये फूड देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अच्छा खासा जो मीट है ना इसी तरीके से रखा हुआ है, ये चिकन का है, इसी तरीके से बीफ का भी मैंने रखा हुआ है और उसके अंदर हड्डियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं, क्योंकि ये कैट की हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, आपको आइडिया नहीं होता, बहुत ज़बरदस्त होता है कैट की हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे मैंने सिंपली सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर डाल दी है और मैंने इसके अंदर पानी भर दिया, आप लोग देख सकते हैं। अब जब ये यखनी बनना स्टार्ट हो जाएगी और इसमें आधे से भी कम पानी रह जाएगा तो मैं इसके अंदर दोबारा से पानी ऐड कर दूँगी। अच्छा अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि अभी ये उबली भी नहीं है, यानी कि इसके ना कुछ अभी उबाल उबाल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, और आप इसके पानी में देख सकते हैं कि अभी से इसके पानी में ना चिकनाई आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जो गोश्त है ना वो बहुत अच्छा है, बीफ का जो गोश्त होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत हेल्दी होता है, और आप अगर अपनी कैट को देना स्टार्ट कर देना तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि कुछ टाइम के बाद आपकी कैट दोबारा से वैसी हो जाएगी जैसे आप उसको देखना चाहते हैं, यानी कि जैसे आप देखते हैं ना पर्शियन कैट जो हेल्दी हेल्दी सी होती है, उनके फर इतने अच्छे होते हैं, गिरते नहीं हैं, तो हमारी कैट्स के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम खाती है और हमें इतना आइडिया ही नहीं होता कि हम अपनी कैट को हेल्दी कैसे करें। तो ये वीडियो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि आप लोगों ने अपनी कैट को ख़ुद से हेल्दी वगैरह करना है, कोई मेडिसिन वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद से अपनी कैट को घर में ही आप हेल्दी करें, उनके फ़र अच्छे करें, उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो रोकें और उनको दोबारा से एक्टिव करें। तो अभी हम इनको इसको रखते हैं उबलने के लिए और फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पानी आधे से भी ज़्यादा कम रह गया और इसमें यखनी उतरना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसको दोबारा भर दूँगी और उतना ही कर दूँगी और फिर इसको मैं धीमी आंच के ऊपर रख दूँगी दोबारा से होने के लिए। इतनी अच्छी यखनी बन जाएगी, इतनी गाढ़ी यखनी बन जाएगी कि अगर आप उसको ऐसे ही रख दोगे ना तो जो आप बाज़ार से जेली वगैरह मंगवाते हो ना बिल्कुल ऐसे फॉर्म में आपकी यखनी बन जाएगी, जेली जो बनती है ना बाज़ार में बिल्कुल उस तरह की आपकी यखनी लगेगी और आपकी कैट इतनी ज़्यादा शौक से खाएगी, इतनी हेल्दी होगी उसके लिए कि बिल्कुल जेली की तरह अगर आप उसको बना के दोगे वो जेली समझ के खाएगी और आपकी कैट बहुत शौक से खाएगी। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ कि कल की एक यखनी थोड़ी सी बची हुई है वो मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर हमने रख दिया है और ये मैंने धीमी आँच के ऊपर जो ना आप देख सकते हो धीमी आँच के ऊपर मैंने इसको ये रख दिया है अच्छे से। अब मैं इसको पकाऊँगी, थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा तो फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। गाइस ये यखनी मैंने कल बनाई थी, चिकन और यखनी है और आप यहाँ पर यखनी देख सकते हैं, आप ये देखिए कितनी गाढ़ी है और ये बिल्कुल इस तरीके की जैसे हम जेली मंगाते हैं, ये देख लें आप लोग। और ये जब मैं अपनी कैट को देती हूँ ना तो वो इतने शौक से खाती हैं, ये देखिए बिल्कुल भी रनी फॉर्म में नहीं है और अच्छी खासी मतलब बिल्कुल जेली बनी हुई है। देखिए इसके अंदर गोश्त भी है और यखनी भी है अच्छी खासी। तो ये मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और अपनी कैट को देती हूँ, उससे मेरी कैट हेल्दी भी होती है, साथ में मैं इसके अंदर मेडिसिन भी ऐड करती हूँ। अब मेडिसिन कौन सी ऐड करती हूँ वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ ये कैप्सूल्स, एक कैप्सूल मैं इनकी डाइट के अंदर ऐड कर देती हूँ, यानी कि यखनी और ये जो जेली टाइप मैंने यखनी बनाई हुई है इसके अंदर मैं एक कैप्सूल जो है इसके ऐड कर देती हूँ, जिससे मेरी कैट का हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक जाता है और ये तकरीबन मेरी ये बॉटल पूरी ख़त्म होने वाली है। और अब मैं ये न्यू बॉटल लाजमी मंगा के रखती हूँ क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं, जिससे कैट का जो हेयर फॉल होता है ना वो काफ़ी हद तक जो है वो रुक जाता है और काफ़ी अच्छा होता है उनकी हेल्थ के लिए। आप लोग देख सकते हैं विटामिन ए डी DHA सब कुछ इसके अंदर होता है और ये काफ़ी अच्छी सप्लीमेंट्स हैं ये कैट्स के लिए। मैंने आपको सारा कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 120 कैप्सूल्स इसके अंदर आते हैं और ये ऑनलाइन किसी भी स्टोर वगैरह से मिल जाते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप लोग जाकर वहाँ से बाय कर ले। अब जबकि मेरी यखनी बनके तैयार हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपनी कैट को ये ऐड करके देती हूँ उसके फूड के अंदर।
गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने लगी हूँ। यहाँ पे चिकन का जितना गोश्त है ना वो सब इजीली उबल चुका है और यहाँ पे मैंने निकाल भी लिया है, लेकिन बीफ का जो गोश्त है ना वो उबलने में टाइम ले रहा है और उसको प्रॉपर आपने टाइम देना भी है। लेकिन इसमें आप ये देखें कि जितना हड्डी के अंदर गोश्त लगा हुआ था ना वो सब इसके अंदर घुल गया है, यानी कि इस यखनी के अंदर घुल गया और ये खाली हड्डी रह गई है। अब आप चाहें तो आप ये बाहर स्ट्रीट कैट को भी दे सकते हैं और आप इसको फेंक भी सकते हैं सीधा सीधा, क्यों? क्योंकि इसका जो सारा गोश्त है ना वो इस यखनी के अंदर घुल गया है। अब ये जो बीफ का जो गोश्त मैंने डाला था ना ये सही तरीके से उबला नहीं है, इसको आपने सही तरीके से उबालना है। अगर ये 30 मिनट मैंने रखा था बट नहीं उबला, तकरीबन 1 घंटा मैं इसको भी और रखूंगी ताकि ये अच्छे से उबल जाए जैसे चिकन उबलता है, और फिर हम इसके टुकड़े करके अपनी कैट की डाइट में ऐड करके देंगे। लेकिन आप ये यखनी देख सकते हैं, यखनी कितनी जबरदस्त है, ज़बरदस्ती यखनी ये बन गई है। और ये अगर आप फ्रिज में भी रखते हैं ना, फ्रिज में रखकर अपनी कैट को देते हैं, बिल्कुल जेली फॉर्म में बन जाएगी और आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं। इससे आपकी कैट इतनी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी कि इसके बाद आप लोग मुझे दुआएं देने वाले हैं, लिटरली आप लोग मुझे दुआएं देने वाले हैं। गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गोश्त मेरा बन के तैयार हो गया है। चिकन तो फौरन ही बन जाती है बट बीफ मैंने थोड़ा टाइम लिया है, और आप यहाँ पे क्वांटिटी देख सकते हो, चिकन की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है और बीफ की मैंने थोड़ी कम रखी होती है। लेकिन आप ये देखना कि इसके अंदर जो पीसेस है ना ये बिल्कुल पतले पतले होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आपने मोटा मोटा गोश्त नहीं उठा के देना, आपने इस तरीके से पीसेस करके देना है। ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना वरना कैट नहीं खाएगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे यखनी, और यखनी भी मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, यखनी इतनी पीली और इतनी अच्छी है ये यखनी, जब आप अपनी कैट को देंगे ना तो इससे इसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ उसको, देख सकते हैं जो हड्डी है ये इसके अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई है और ये बिल्कुल गल चुकी है, इसके अंदर खाली हड्डी रह गई है। और ये देखेंगे अपनी, अब हम इसको ऐड करेंगे अपने डाइट के अंदर। यहाँ पर मैंने यखनी ऐड कर ली है और अब मैं इसके अंदर ये कैप्सूल ऐड करने जा रही हूँ। कैप्सूल को बस आपने इस तरीके से काट लेना है, और काट के आपने इस तरीके से इसके अंदर ये कैप्सूल ऐड कर देना है। और अब आपने इसको जस्ट ठंडा होने के लिए रखना है थोड़ी देर के लिए, फिर आप अपनी कैट को दे सकते हैं। अगर आप दिन में 2 दफ़ा भी अपनी कैट को डाइट बनाकर दे रहे हैं, 1 हफ्ता आप ये करके देख लें, आप लोग को समझ में आ जाएगा खुद सारी बातें जो मैंने आज आप लोग को समझाई है। इंशाल्लाह ताला मैं और इसके ऊपर होम मेड डाइट्स आप लोग के लिए लेकर आती रहूँगी, जिसमें मैं सारी वेजिटेबल्स वगैरह और जो है ना मिनरल्स विटामिन्स वगैरह ऐड करूंगी, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट लाजमी क्या करें, आप लोग के कमेंट्स में पढ़ती हूँ और उनका जवाब देने की कोशिश करती हूँ, वरना उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियोज़ बनाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।